बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। रिसेंटली एस एस राजामौली जी ने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया है? बाहुबली 3 मूवी में किस टॉपिक पे फिल्म दिखाई जा सकती है? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेजेंडरी डायरेक्टर एस एस राजामौली की मूवी बाहुबली के थर्ड पार्ट के बारे में। हाल ही में एस एस राजामौली ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और एक बार फिर से 1,000 करोड़ के ग्रॉसिंग मार्क को क्रॉस किया है अपनी रीसेंट मूवी RRR के जरिए। तो उनकी पहली मूवी जो कि 1,000 करोड़ पार गई थी, यानी कि बाहुबली 2 के बारे में बात करना तो बनता ही है। वैसे हम KGF चैप्टर 2 मूवी से भी सिर्फ कुछ दिन ही दूर हैं, सो क्या पता RRR के बाद KGF 2 भी 1,000 करोड़ की लाइन में लग जाए, क्योंकि मूवी पूरी हाइप पे है। चलो, ये सब तो जब होगा सो तब पता ही चल जाएगा। चलिए बैक टू बेसिक्स, बात करते हैं बाहुबली 3 के बारे में। बेसिकली बाहुबली 3 पूरी तरह से महेंद्र बाहुबली की लीडरशिप स्किल्स पर डिपेंडेंट फिल्म हो सकती है। हालांकि मेकर्स का अभी बाहुबली 3 को लेकर कोई ओपन डिस्कशन या फिर डिसीजन नहीं है, मगर पॉसिबिलिटीज तो ढेर सारी हैं, जिनके ऊपर ये थर्ड पार्ट बहुत ही आसानी से दिखाया जा सकता है। तो उसी बेसिस पे हमने आपको महेंद्र की लीडरशिप स्किल्स के बारे में बताया, क्योंकि भल्लाल देव के डेथ के बाद पूरा का पूरा महेश मति महेंद्र बाहुबली के अंडर है और साथ ही साथ उनकी आर्मी स्ट्रेंथ भी काफी हद तक कम हो चुकी है, जिस वजह से महेश मति साम्राज्य पे अटैक करना दुश्मनों के लिए सबसे बेस्ट टाइम यही है। अब बाकी की कनेक्शंस और स्क्रिप्टिंग तो मूवी मेकर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अगर मेकर्स बाहुबली 3 को मेकिंग में लाते हैं तो 110% ये मूवी सभी रिकॉर्ड्स को बुरी तरह से तबाह करने की ताकत रखती है। बाहुबली एक फ्रेंचाइजी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा अपने आप में ब्रांड है, जिसे खड़ा किया है एस एस राजामौली और उनकी एक्सट्रीम विजन ने। आपके अकॉर्डिंग बाहुबली 3 मूवी की पोटेंशियल स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए? अपने विचार हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी रही बात हमारी, तो हम आपको बताएंगे कि महेंद्र और अमरेंद्र बाहुबली में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली एंड फिजिकली। साथ ही साथ बाहुबली 1 और 2 के कुछ ऐसे लूप होल्स जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, और उन लूप होल्स के ऊपर पूरी की पूरी मूवी तक तैयार हो सकती है। अगर आपको उन लूप होल्स के बारे में जानना है तो मेक श्योर आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। हमारे आज के राइटर हैं अभिषेक मिक्की।